तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस पर से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे, तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आने नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानो कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, ध्यान कह रही हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, आप जो है ये अफवाह में नहीं आया। अभी मैं 2-3 दिन अफवाह ही सुन रहा हूं कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या जाते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कन्फ्यूज हो जाते थे, तो गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अगर अनस्टेबल रहती सरकार, पता नहीं क्या हो रहा कांग्रेस के अंदर। जैसे भी आप देख रहे हो कि अब स्थिति कांग्रेस की क्या है देश के अंदर, जो चिंता का विषय होना चाहिए पूरे देशवासियों को। आज जो आरएसएस का आदमी भी है, कुछ बीजेपी के समझदार लोग भी है, गडकरी की तरह के आम नागरिक भी है जिसने कभी वोट नहीं दिया कांग्रेस को, वो भी चाहता है कांग्रेस मजबूत रहे देश के अंदर एक प्रतिपक्ष की तौर पर। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।